Assalamu alaikum, dear students of class Matric. Welcome to Shah Group Educational Channel. So, students of class Matric, आज जो हम टास्क हमारे पास है वो है हमारे पास पोयम और पोयम का नाम है लिटिल थिंग्स. अब पोयम का नाम अगर आप देखें लिटिल थिंग्स, तो पोयम के अंदर इसी तरीके से आपको बताया गया है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स, जिन चीजों को हम बहुत ही माइनर और बहुत ही अननेसेसरी समझ रहे होते हैं. तो इस पोयम के जरिए हमें उन चीजों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है. तो हमने इस पोयम को भी दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया है. पहले हम पोएट या पोएटेस जो भी हैं इसकी उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पोयम के बारे में पढ़ेंगे. तो आज जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसमें हम पोएटेस का इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं. तो पोयम लिटिल थिंग्स अबाउट पोएटेस. पोएटेस मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शायरा हैं, यानी के फीमेल जेंडर है. अगर मेल जेंडर होगा उसको हम पोइट कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन जो है खातून हैं यहाँ पर जिन्होंने इस पोयम को कंपोज किया है उनके बारे में देख लेते हैं कि उनका नाम क्या है. उनका नाम बताया गया है कि शी इज जूलिया कार्ने. इनका नाम है जूलिया कार्ने और इनके बारे में लाइफ स्पेन इनका दिया हुआ है कि 1823 में ये पैदा हुई थी और 1908 में इनका इंतकाल हो गया था. इनकी बिलोंगिंग बताई गई है कि ये बॉस्टन यूएसए, यूएसए की जो स्टेट है बॉस्टन, वहां ये पैदा हुई और ये एक अमेरिकन वर्स राइटर है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएसए से इनका लिंक है तो अमेरिकन वर्स राइटर कहलाएंगी या पोएटेस कहलाएंगी. इनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पोयम में नहीं दी गई है, पोयम के बारे में नहीं दी गई है, लेकिन थोड़ा सा ये बताया गया है कि ये जो पोयम है ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी, ये 1845 में पहली मर्तबा पोयम लिटिल थिंग्स पब्लिश हुई थी और इस पोयम में जो भी छोटी चीजें हैं यानी कि मामूली सी चीजें उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने पोएटेस का इंट्रोडक्शन देखा है उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, तो देख लेते हैं कि एमसीक्यूज क्या हैं. एमसीक्यू नंबर वन इज ऑन योर स्क्रीन्स. एमसीक्यू नंबर वन में पूछा जा रहा है द पोयम लिटिल थिंग्स इज कंपोज बाय. ये जो पोयम है लिटिल थिंग्स इसको किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, किसने बनाया है. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जूलिया कार्ने, जॉन कीट्स, ऑप्शन सी है वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है. पोयम लिटिल थिंग्स इज कंपोज बाय, जी द करेक्ट आंसर इज जूलिया कार्ने. अबाउट पोयम, तो पोयम के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है वो क्या है. इट इज अ सिंपल चिल्ड्रंस सॉन्ग. ये एक बच्चों का सादा सा सिंपल सा सॉन्ग है जो कि फर्स्ट टाइम पर पब्लिश किया गया था इन द ईयर 1845 में इसको पहली मर्तबा पब्लिश किया गया था. टू एक्सप्लेन दैट इवन लिटिल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. और इसके जरिए ये बताया गया है कि जो चीजें आप बहुत ही छोटी सी समझ रहे होते हैं, लिटिल समझ रहे होते हैं, यानी उनको आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, निग्लेक्ट हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, तो वो चीजें दरअसल इम्पोर्टेंस रखती हैं. इस पोयम के अंदर जो बात की गई है वो क्या है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दी गई हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि when little things are combined, they become huge life. जब भी कोई छोटी छोटी चीजें कंबाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो मिलकर एक ह्यूज इम्पैक्ट देती हैं, एक बहुत बड़ी चीज बन जाती हैं. जैसे कि जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ बिग ओशन. यानी कि जो बारिश पानी के जो छोटे छोटे जरात कतरे हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, वो एक बड़ा सा ओशन बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा समंदर बना रहे हैं. इसी तरीके से लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक अ वास्ट डेजर्ट. जो भी जरात हैं बहुत छोटे छोटे से मिट्टी के जरात, वो मिलकर एक बहुत बड़ा सा सहरा बना रहे हैं. तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इनकी भी इम्पोर्टेंस होती है. इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारे लिटिल डीड्स ऑफ
काइंडनेस, यानी हम किसी से अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं, अच्छे अमाल हैं, हम किसी के साथ अच्छी तरह उससे सामना कर रहे हैं, उसके काम आ रहे हैं, किसी की मुश्किल में उसकी मदद कर रहे हैं, किसी के दुख में काम आ रहे हैं। लिटिल डीड्स ऑफ लव, हमारी मोहब्बत भरे अमाल, हमारे मोहब्बत भरे काम, हमारी केयर किसी के लिए, या फिर हमारी फॉरगिवनेस, हम किसी को माफ कर दें। कहने में ये सारी चीजें बहुत ही मामूली साउंड करती हैं, लेकिन जब हम इनको करने जाते हैं तो शायद इंसान के अंदर ईगोइस्टिक अप्रोच आ जाती है कि वो ईगो अपनी शो करने लग जाता है। लेकिन एक्चुअल अगर हम देखें तो ये जो चीजें हैं बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही बेजरूरती चीजें हैं, लेकिन इनको अगर हम फॉलो करें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और ये सब क्या करते हैं, कैन मेक अवर वर्ल्ड एंड ईडन लाइक द हेवन अबव। तो ये हमारी दुनिया को ईडन बना देता है। ईडन का मतलब है गार्डन ऑफ पैराडाइज, यानी कि जन्नत का बाग बना देता है। जिस तरीके से हम जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे और उसके बाद हम आखिरत में सब एक जो है जन्नत में जाएंगे और वहां के बागात में हम इंजॉय कर रहे होंगे, तो इसी तरीके से अगर हम इन सारी चीजों के ऊपर अमल करें, यानी अगर हम अपने अमाल काइंडनेस वाले बना लें, हम लोगों से मोहब्बत करें, हम लोगों की केयर करें, हम लोगों को माफ करें, तो इस तरीके से करके क्या होगा कि हमारी दुनिया भी जन्नत का एक बाग बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके के छोटे छोटे काम हर वक्त करते रहने चाहिए ताकि इनकी इम्पोर्टेंस कभी भी कम हो ही ना सके। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम लिटिल थिंग्स। इससे रिलेटेड अब हम आगे जो है एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो एमसीक्यूज जो आपको पोयम से रिलेटेड दिए गए हैं वो कुछ ये है। एमसीक्यू नंबर 1, इट इज अ सिंपल चिल्ड्रंस डैश। ये जो पोयम है लिटिल थिंग्स, वो सिंपल सा सादा सा बच्चों का क्या है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ड्रामा, सॉन्ग, स्पीच, none of these. So students, क्या है ये, it is a simple children's song. So जो भी correct answer था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बढ़ते हैं next MCQ की तरफ। next MCQ की जो आपको statement दी गई है, statement कुछ इस तरीके से है, little things of love make our world dash. जो भी हमारी लिटिल थिंग्स ऑफ लव हैं, वो हमारी दुनिया को क्या बना रही हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए हेल, ईडन, गार्डन, नन ऑफ दीज। तो यहां पर अकॉर्डिंग द पोयम जो आंसर आएगा वो क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी ईडन, और ईडन की मीनिंग अभी हमने डिस्कस की, गार्डन ऑफ पैराडाइज। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम लिटिल थिंग्स। ये भी बहुत बड़ी कोई पोयम नहीं है, आपके पास टोटल 8 लाइंस है पोयम में। तो इस पोयम को पढ़िएगा, अमल करने की कोशिश कीजिएगा, लिटिल थिंग्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी न्यू वीडियोस देखते जाइएगा, और उसके लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।